रंगों का पर्व होली नजदीक आ चुका है। देश भर में होली के त्योहार को मनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बाजारों में रंग गुलाल और पिचकारी की दुकानें सज गई हैं। लोगों को इंतजार है, कोरोना के 2 वर्षों के बाद इस बार होली को भव्य रूप से मनाने की तैयारी है। होली के इस त्योहार को लेकर बाजार में काफी उत्साह है, लेकिन फिलहाल बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए बाजार में सन्नाटा भी है। दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार है। बाजार में दुकानें सज चुकी हैं और इस बार ज्यादातर दुकानों पर स्वदेशी सामान ही नजर आ रहा है। चाइना के सामान के बहिष्कार को लेकर चल रही मुहिम का असर होली के बाजारों पर भी दिख रहा है। दुकानों में रंग गुलाल से लेकर पिचकारी तक भारतीय बाजारों से निर्मित होकर आई हैं। हालांकि दुकानदार कह रहे हैं कि उन्हें ग्राहकों का अब भी इंतजार है। ये तस्वीरें छतरपुर जिले की हैं, जहां पर पन्ना रोड पर होली के त्योहार के लिए लगभग 2 दर्जन दुकानें सज चुकी हैं। यहां पर तरह तरह की पिचकारियां हैं। बच्चों को ध्यान में रखकर कई प्रकार की पिचकारियों का निर्माण किया गया है। इस त्योहार पर दुकानदारों को उम्मीद है कि ज़्यादातर दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ होगी। दुकानें तो 5-10 दिन से सब सजी हुई हैं, लेकिन ग्राहक का इंतजार है। ग्राहक अभी गर्मी की वजह से, स्कूल की परीक्षा हो रही है उसकी वजह से, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ शादियों की वजह से, इससे ग्राहक अभी आ नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है आएगा, लेकिन इंतजार तो कर रहे हैं ग्राहकों का। अभी सामान खास है इस बार होली को लेकर ग्राहकों के लिए क्या वही है? इस बार चाइना आइटम तो देखो बिल्कुल बंद हो गया है बाहर से आना। अब इंडियन आइटम है, जैसे डोरीमोन है, पॉपी है, पेप्सी है, और ये पिचकारी आई है इस बार, ये वाली बंदूक जैसी पिचकारी आई है। आजकल युद्ध देख रहे हैं आदमी टीवी पे, उसको देखकर जिसका बहुत उत्साह है बंदूकों का। कितने से लेके कितने तक की यहाँ पिचकारियाँ? वही 10 रुपये से लेके कम से कम 300-400 रुपये तक की पिचकारी है। ग्राहकों का इंतजार है? हाँ, ग्राहकों का इंतजार है। अब वसूली का इंतजार कर रहे हैं, ग्राहक आए सामान बिके।